साढ़े चार वर्ष पूर्व गाजीपुर में इस समय स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगार मेला चल रहा है, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 22 दिसंबर को रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा की उपस्थिति में किया था। यह रोजगार मेला 25 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन रोजगार में छात्रों ने बवाल किया था, जिसकी वजह से मेले में आई कुछ कमियां वापस चली गई थी। पर आज रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा खुद रोजगार मेला पहुंचे और नौकरी पाए युवक और युवतियों को ऑफर और नियुक्ति पत्र भी बांटा। उन्होंने बताया कि कल भी रोजगार मेले में सभी कंपनियां रहेंगी और छात्रों को रोजगार देंगी। अभी तक रोजगार मेले के माध्यम से जनपद के करीब 2000 युवा रोजगार पा चुके हैं और कई को लाखों का पैकेज भी मिल चुका है। गाजीपुर से संजय राय की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। कुछ उपद्रवी तत्वों ने आकर के, मुझे लगता है कि जिनको गाजीपुर के विकास से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने सदैव गाजीपुर को पीछे धकेलने का काम किया है राजनीतिक स्वार्थ के कारण, यहाँ के नौजवानों को जो एक अच्छा अवसर उपलब्ध हो रहा था उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। मुझे लगता है कि उनको ये शायद अंदाज लग गया होगा कि गाजीपुर का नौजवान इन सब बहकाओं में आने वाला नहीं, और ये कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है। किसी के घर का बच्चा होगा, अगर वो पढ़ता है तो उसे अवसर मिले, इसकी कोशिश की गई। पहले दिन जब एक दुखद स्थिति पैदा किया कुछ अराजक लोगों ने, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, हवाई चप्पल पहन करके, और मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया ताकि आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सके। और मुझे प्रसन्नता है कि जो एकांत और जो एम्प्लॉयर हैं, उस दिन शाम को ये लोग बहुत डरे हुए थे हमसे, इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग वापस जाना चाहते हैं, गाजीपुर में ऐसा आयोजन अब हम नहीं करना चाहते। तो मैंने इन लोगों से बात किया, मैंने कहा कि नहीं, ये कुछ लोग हैं और उनकी संख्या 1-2% है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनकी रुचि है और वो वास्तव में काम करना चाहते हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। कुछ लोगों की अव्यवस्था के कारण गाजीपुर के नौजवानों को अवसर न मिले, मैं समझता हूँ ये ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो एक तो गाजीपुर के लोगों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि ऐसे तत्वों को पूरी तरह से गाजीपुर के लोगों ने सहयोग किया है और जिस उत्साह से बच्चों ने और बच्चियों ने इस मेले में भागीदारी की है वो भी सराहनीय है। मैं जो भी एम्प्लॉयर हैं सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। एक कठिनाई जो मुझे समझ में आई है, इनमें कम रुचि रख रही कुछ बच्चियाँ हैं जिनको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन आप सबसे मेरा आग्रह है कि जरा इस बात को और भी फैलाइए।